आजादी की सालगिरह के जश्न के साथ साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी जोर शोर से मनाया गया। भाई और बहन के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते, प्यार, त्याग और समर्पण को दर्शाता है। राखी बांधकर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं। वहीं भाई उन्हें वादा देते हैं कि उन्हें की जिंदगी भर रक्षा करेंगे। वहीं गुरुवार को भाजपा नेता विशाल भगत का अम्बुजवाड़ी में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भव्य स्वागत किया गया और सैकड़ों मुंगोली बहनों ने राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की। शुभ अवसर पर परम पूज महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी, अनुष्का चौहान, उज्जवल सिंह, नंदन सिंह, सतेंद्र यादव, राम मोहन, संजीव पांडे व तमाम स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं विशाल भगत बताते हैं कि पिछले 5 साल से लगातार यह कार्यक्रम करते आ रहे हैं। कहीं भी रहूं यहां जरूर आता हूं। इनके बीच रक्षाबंधन मनाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। हमारे बहनों से राखी बंधाते हैं और राखी बंधाने के बाद में राखी का जो अर्थ होता है रक्षाबंधन का, विशाल भैया हमारे रक्षा भी करते हैं। विशाल भैया को कभी भी फोन कर दो, विशाल भैया हमें ये मुसीबत है या प्रॉब्लम है तो हमारे विशाल भैया तत्पर है। विशाल भैया इस बस्ती की शान है। विशाल भैया तुमसे बस्ती में आए हम बहनों को बहुत सारा तसल्ली मिल गया है। इसलिए ऐसे भैया मैंने अभी आपको मैंने बहनों को बताया कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई के घर पे जाती है राखी बांधने के लिए, लेकिन हमारा बड़ा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारे विशाल भैया इस बस्ती में आके हमसे राखी बंधवाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये स्लम एरिया है और यहाँ पे हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है, गली, गटर, पानी से लेके पानी की तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत है। तो भी आज कश्मीर का जो मुद्दा हुआ 370 का, वो हमारे सांसद जी ने आज रैली रखा था तो ये महिलाएं सुबह 6:30 बजे वहाँ पे गई और आज अपने भाई को राखी बांधने को जाने का था, लेकिन वो भी ये महिलाएं विशाल भैया के लिए यहाँ पे रही और हमारी बहुत सारी महिलाएं विशाल भैया के माध्यम से भी जुड़ी है, बचत गट के माध्यम से भी जुड़ी है और भी बहुत सारे माध्यम है हमारे पास। एनी टाइम बहुत सारी महिलाएं मुस्लिम महिला की जो भी आप देखती होंगे और उसका संख्या की बात करें तो कितनी महिलाएं हैं? हजारों की तादाद में, क्योंकि हमारे बचत गढ़ ही इतने हैं तो एक बचत गढ़ में हम लोग 10 जन का ग्रुप बनाएंगे। ऐसे हमारे पास 200 बचत गढ़ हैं। अभी आप वो बचत गढ़ की संख्या लगाओ और कार्यकर्ता और हमारी हम लोग ने एक संस्था बनाई है महिला सुरक्षा सेना। तो ये महिलाएँ जब भी किसी को प्रॉब्लम आता है तो एनी टाइम हजारों की ताकत में निकलते हैं। विशाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इतनी संख्या में? विशाल जी इतनी संख्या में महिलाएं बहने आपको रक्षा बांध रही हैं और उनकी आशाएं भी है कि आप रक्षा करें, न केवल रक्षा बनवाएं उनकी रक्षा का भी ख्याल रखें। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर और कितने भावुक हैं आप इतनी महिलाओं को देख कर और जो रक्षा बांध रही हैं? रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है भाई बहन का, जो अटूट रिश्ता है हमारे सनातन धर्म में। एक अटूट रिश्ता है जिसको हम लोग मनाते हैं, एक भाई बहन के रक्षा के लिए रक्षाबंधन की रक्षा सकता है। और रक्षाबंधन के बारे में ये बताना चाहता हूँ, पहला मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मेरा पारिवारिक है एक्सपीरियंस, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कभी ऐसा दिन था मेरा जब मैं घर पे रहता था, क्योंकि मेरी अपनी बहन नहीं है, चचेरी बहन है, तो मेरी चाचा की जो लड़की थी, बड़ी बहन जो थी, वो जाती थी राखी बांधने के लिए कलकत्ता, लेकिन हम लोग को यहाँ राखी नहीं बांधती थी, राखी छोड़ के चले जाती थी। मुझे बड़ा तकलीफ होता था,
और आज मेरी कोई बांध नहीं है। और आज एक ऐसा दिन है कि सारी मतलब ये अंबुजवाड़ी की महिलाएं आपके बहन। मैं इतना खुशी से प्रफुल्ल हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ। और मैं ये जो है ये पांचवा साल है मेरा, ये पांचवा साल मैं यहाँ पर मना रहा हूँ। और मैं मेरा काम पूना में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रक्षाबंधन के रोज यहाँ पर आया हूँ। और मैं अपनी बहनों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि आज भी तुम्हारे साथ ही। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जब रक्षाबंधन की बात हुई, ये पाँच साल पहले की बात है, मैं अनुष्का बहन को बोला, बहन तो बोली कि भैया आपको मैं भाई मानती हूँ, आप आओ मैं आपको राखी बांधती हूँ। जब मैं यहाँ पर आया राखी बनाने के लिए, तो कम से कम उस समय 50 महिला उसका भी साथ, और उन लोगों ने भी मुझे बांधा। तो मैं उसी दिन बोला, बहन एक मेरा एक सपना जो था ना पूरा हो गया। क्योंकि कभी ऐसा होता था कि मैं रोता था, मन करके रोता था कि मेरे बहन को इतनी मुझे राखी बांधा। इधर सर।